के न्यूज खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं नेहा पांडे। आइए डालते हैं आज की खबरों पे एक नजर। भारत सरकार द्वारा एक ओर जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धनबाद के मास्टरपाड़ा के रहने वाले लोग नर्क में जीने को मजबूर है। इस संदर्भ में आज मास्टरपाड़ा नगर आयुक्त का घेराव करने नगर निगम पहुँच गए। वही मास्टरपाड़ा के लोगो का कहना है की पिछले कई महीनों से सड़क पर डोब लग जाने से आम लोगो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर लोगों ने अपार्टमेंट बनाई है, जो कि सरकारी नाले को अपने अपार्टमेंट के अंदर कवर कर लिया है। इसके बावजूद नाले का गंदा पानी निकासी के लिए रोड पर छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही नगर निगम ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में हिजा कालरा जैसी बीमारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं स्थानीय पार्षद मनोरंजन ने कहा कि समस्या तो थी ही, लेकिन अब बहुत जल्द ही इन समस्याओं पर आम लोगों को निजात मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड नाली और सोलर लाइट लगाने के लिए 8 करोड़ की टेंडर पास हुई है, उसमें मास्टरपाड़ा का भी जो नाली की समस्या है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे बहुत जल्द यहां की समस्या से आम लोगों को निजात मिलेगी। हम लोग को जो मास्टरपाड़ा का नाली का जो व्यवस्था है एकदम नहीं है, नगर निगम वो कृपा देखे। हम लोग का जो पहले रास्ता से पानी जाता था जो काली मंदिर के सामने तेलीपाड़ा काली मंदिर के सामने से, वो अभी ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए मास्टरपाड़ा का जितना और अपार्टमेंट करुणामय अपार्टमेंट का जितना पानी है और जो पानी आ रहा है अपार्टमेंट का पानी का, वो सब पानी का मास्टरपाड़ा से होते जा रहा है। हम लोग का आना जाना बहुत मुसीबत हो गया है। हम लोग मार्केट भी नहीं जा सकते हैं, बच्चे को स्कूल नहीं पहुँचा पा रहे हैं, घर में आना जाना, किसी को गेस्ट का आना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए अगर नगर निगम और हम लोग का वार्ड कमिश्नर, हम लोग का जितना भी यहाँ का जो झारखंड का सरकार है अधिकारी है, सब अगर इसके लिए हम लोग को हेल्प करे तो हम लोग बहुत अच्छा होता। नाली का व्यवस्था इसे मिलने आए हैं, इसका हम लोग पिटीशन देने भी आए हैं। हम लोग तीन चार फ्लैट का भी पानी मेरा मास्टरपाड़ा से भर कर जा रहा है। हम लोग का घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बच्चे स्कूल जाना बंद हो चुका है, हम लोग ऑफिस जाना, घर का काम, मेरा बिजनेस सारा चीज बंद हो चुका है नाली का पानी के चलते। नाली का कचरा और पानी पूरा बाहर हो जा रहा है। रात दस सेप्टिक टैंक का पानी सारे अपार्टमेंट का सिविल वाटर सारा 10 बजे के बाद वो फ्लो होता है, पानी पंप से पानी फेंकता है टुलू पंप से, और मेन रोड पर हम लोग का पानी का निकासी होता है और पूरा पानी बहकर जा रहा है और सुबह तक वो सूखता नहीं है। सेफ्टी टैंक का पानी का हम लोग पैर देकर जा रहे हैं। कलेरा डायरिया जितना सारा बीमारी है इस पानी के वजह से हम लोग का और हम लोग का बच्चों का भी हो सकता है। ये देखिए, दो तीन घर ऐसे हैं यहाँ पे जिनका नाली का निकासी जिनके पास है नहीं, उनके नाली का पानी रोड पे बहता है। और एक पुराना एक घर था साहू जी का, उनको कोई टूटू जी लिए हैं तो वो अभी बंद कर दिया कि मेरे घर के अंदर बहुत समस्या है पानी का, इतना बिल्डिंग बन गया, तीन तीन नया नया अपार्टमेंट बन गया, लगभग 100 घर बढ़ जाएगा और पूरे मेरे घर के अंदर नाली बजबजाते रहता है। तो उन्होंने नाली बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे कैंपस के अंदर से नाली जा रहा है। लोगों ने बताया कि नाली वो एक पब्लिक प्लेस है, गली छोड़ा हुआ था दोनों के बीच से, वहाँ से जाता था, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन निगम के तरफ से मेरी जानकारी में जो घर उस नाली में नहीं जुड़ा हुआ था, उस घर के लिए भी पहले से मुझे पता था, तो हमने माननीय महापौर महोदय से नगर निगम में आग्रह करके और 14 फिनांस के तहत 8 करोड़ रुपया हम लोग को मिला है। उस पैसे में ये इसको भी सर्वे में हम चढ़वा दिए हैं। मास्टरपाड़ा का ये रोड भी इंटीग्रेटेड स्कीम में शामिल है, इसमें रोड नाली लाइट पेपर ब्लॉक जो इंटीग्रेटेड स्कीम का हमारा जो स्वरूप है उसके अनुरूप ये काम होना है, और रेन वाटर जाने के लिए भी उसमें प्रोविज़न है। तो वो प्रपोजल पास करा दिया हमने, एस्टिमेट बन चुका है। अब टेंडर दो पैकेज का हुआ है, एक पैकेज वन हुआ है टेंडर, अभी पैकेज टू होना बाकी है। तो पैकेज वन में अगर ये होगा तब तो हो ही चुका है, इसका देखकर बता देंगे, और अगर पैकेज टू में है तो 2-4-10 दिन में हो जाएगा। ये देखिए, दो तीन घर ऐसे हैं यहाँ पे जिनका नाली का निकासी जिनके पास है नहीं, उनके नाली का पानी रोड पर बहता है। और एक पुराना एक घर था साहू जी का, उनको कोई टूटू जी लिए हैं तो वो अभी बंद कर दिया कि मेरे घर के अंदर बहुत समस्या है पानी का, इतना बिल्डिंग बन गया, तीन तीन नया नया अपार्टमेंट बन गया, लगभग 100 घर बढ़ जाएगा और पूरे मेरे घर के अंदर नाली बजबजाते रहता है। तो उन्होंने नाली बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे कैंपस के अंदर से नाली जा रहा है। लोगों ने बताया कि नाली वो एक पब्लिक प्लेस है, गली छोड़ा हुआ था दोनों के बीच से, वहाँ से जाता था, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन निगम के तरफ से मेरी जानकारी में जो घर उस नाली में नहीं जुड़ा हुआ था, उस घर के लिए भी पहले से मुझे पता था, तो हमने माननीय महापौर महोदय से नगर निगम में आग्रह करके और 14 फिनांस के तहत
8 करोड़ रुपया हम लोग को मिला है। उस पैसे में ये इसको भी सर्वे में हम चढ़वा दिए हैं। मास्टरपाड़ा का ये रोड भी इंटीग्रेटेड स्कीम में शामिल है। इसमें रोड, नाली, लाइट, पेपर ब्लॉक, जो इंटीग्रेटेड स्कीम का हमारा जो स्वरूप है उसके अनुरूप ये काम होना है, और रेन वाटर जाने के लिए भी उसमें प्रोविजन है। तो वो प्रपोजल पास करा दिया हमने, इस्टीमेट बन चुका है। अब टेंडर दो पैकेज का हुआ है, एक पैकेज वन हुआ है टेंडर, अभी पैकेज टू होना बाकी है। तो पैकेज वन में अगर ये होगा तब तो हो ही चुका है, इसका देखकर बता देंगे, और अगर पैकेज टू में है तो 2-4-10 दिन में हो जाएगा। अमरापाड़ा प्रखंड के पचुवाड़ा के रांगाटोली गांव में नदी महोत्सव वृहत वृक्षारोपण अभियान 2 जुलाई से 2 अगस्त को शुभारंभ आज पाकुड़ डीसी दिलीप कुमार झा के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि नदी के कटाव को अगर रोकना है तो वृक्ष लगाना अत्यंत जरूरी है। एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी नदी के तटों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रत्येक व्यक्ति 5-5 पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग देने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 20 सूत्री विवेकानंद तिवारी, नगर परिषद अध्यक्ष बाबूधाम मुर्मू, DFO अमरापाड़ा एवं हरिनपुर आदि मौजूद थे। रिसेप्शन पार्टी में JDU नेता के बेटे ने की फायरिंग, पुलिस ने की 4 पर FIR, 2 गिरफ्तार। धनबाद झूड़ी साहब में JDU नेता के बेटे व उनके 2 दोस्त ने रिसेप्शन पार्टी में अवैध पिस्टल से लगभग 1 दर्जन राउंड गोलियां चलाई। घटना लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी की है। खुलेआम फायरिंग करने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें दूल्हा और उसका दोस्त भी शामिल है। समारोह में फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर लोयाबाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। क्या सूचना मुझे शादी समारोह के बाद हुई थी, सदेश चौहान के बेटे राहुल कुमार चौहान के शादी समारोह में फायरिंग की जा रही है, इसका मैंने पहले ही सरह दर्ज किया था। बाद में जांच के क्रम में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें सदेश कुमार चौहान के पुत्र नितेश कुमार चौहान पिस्टल लगाते हुए फायरिंग कर रहे थे। इसमें मेरे द्वारा कांड दर्ज किया गया है, कुल 4 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक नितेश कुमार चौहान है जो कि वीडियो में फायरिंग कर रहा था, और एक कुंदन सिंह है जो बांसुड़ा का रहने वाला है। हथियार बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, निकट भविष्य में हथियार बरामद कर लिया जाएगा। धनबाद में कैनरा बैंक के ATM को क्षतिग्रस्त कर लूटने का प्रयास किया। घटना धनबाद सदर थाना के रानीबांध धैया की है। पुलिस सूचना पाकर उस ATM में पहुंचकर आवश्यक छानबीन शुरू कर दी, जहां पड़ताल में ATM के सामने का एक पैनल पुलिस ने क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ATM के भीतर लगाए गए CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। CCTV फुटेज के आधार पर घटना रात्रि 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस इस घटना को 2 पहलुओं में दिखा रही है। थाना प्रभारी अशोक सिंह के मुताबिक ATM क्षतिग्रस्त करने के पीछे किसी के शरारती तत्व का हाथ हो सकता है। क्या मामला है, ATM चोरी का मामला है? ATM चोरी नहीं, ATM को जो है ना कुछ शरारती तत्व द्वारा जो है ना क्षतिग्रस्त किया गया है। भैया में केनरा बैंक का ATM बैंक के अधिकारी को सूचित किया गया है, जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है। इसके बाद जांच के बाद CCTV कैमरा फुटेज देखेंगे, इसके बाद आगे कितने लोग थे सर अभी कुछ नहीं पता। नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश का सरकारी महाकामों के बाद आम लोगों के जीवन के ऊपर भी इसका असर पड़ने लगा है। मोदी के संदेश का असर एक परिवार के ऊपर ऐसा पड़ा कि अपने पुत्र की शादी समारोह आमंत्रण का स्वच्छता संदेश सिंबल के साथ देते हुए उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यही नहीं, शादी समारोह के दौरान पंडाल स्वच्छता के बैनरों से भी सटा रहेगा। पांडरपाला के रहने वाले नवीन चंद श्रीवास्तव एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। 6 जुलाई को उनके पुत्र निखिल कुमार की शादी है। पुत्र की शादी के लिए छपाए आमंत्रण कार्ड के ऊपर स्वच्छता सिंबल लगाया है। इसके माध्यम से वे निमंत्रण देने के लिए जहां जा रहे हैं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। दहेज प्रथा नहीं, दहेज नहीं ले रहा है, मौत में शादी कर रहा है।
जैसे कोई डिमांड नहीं है, वही बिना दहेज की शादी कर रहा है। हाँ, बिना दहेज की शादी कर रहा है। इसे जाने से आदमी लोग सब सफाई में ठीक से रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। अगर स्वच्छ स्वच्छ अभियान रहेगा, स्वस्थ अति साफ सुथरा रहेगा, आदमी लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से मुक्त रहेंगे। हमारे लड़के की शादी हो रही है। कब शादी है? 6 जुलाई को। कुछ खास भी है, कुछ खास काम भी कर रहे हैं इस शादी में आप लोग? हाँ, शादी में हम लोग सब बड़ा काम है कि स्वच्छा का स्वच्छा अभियान का जो है ना, हम लोगों को जागरूक करने के लिए एक तो लोगो लगा रहे हैं कि सभी आदमी को दिमाग में आए स्वच्छ रखना है भारत। तो ये कार्ड के माध्यम से किया और पंडाल के अंदर में भी लोगो लगा के लोगों को जागरूक करेंगे। जितने भी आदमी आए फोकस करेंगे, हम ज्यादा फोकस करेंगे सफाई के अभियान के बारे में। मतलब पूरी शादी में, पूरी शादी समारोह में जो है वो स्वच्छता का बहुत बड़ा ये रहेगा। जितने लोग आएंगे उनको संदेश देने का, संदेश देने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा माहौल होगा जिसके अंदर में सभी आदमी उसको लोग देखेंगे और उसके मैंने उसके कुछ तो आदमी उसके लिए जागरूक होंगे। 10% 20% करेंगे तो फिर भी उसके लिए जागरूक होंगे। आखिर ऐसा मन में भाव कैसे आया आपका कि ये काम करना चाहिए? ये प्रधानमंत्री का जो योजना है ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये पूरा देश के मैंने देश के बारे में कहा, अगर हमारा देश स्वच्छ होगा तो मैंने बीमारी का भी कोई नहीं होगा देश में, अच्छा आदमी स्वस्थ रहेगा। ये जो हमारा देश, अगर आदमी स्वस्थ होगा तो देश समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो गाँव स्वच्छ होगा, उससे देश स्वच्छ होगा। इसीलिए इसका मैंने इसका बहुत जोर दिया है। कितने समारोह में कितने लोग करीब शामिल होंगे? करीब करीब 700-800 आदमी होंगे। जिस तरह से ये कर रहे हैं स्वच्छता के प्रति, तो आप लोग के पास भी निमंत्रण आया होगा आमंत्रण का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेटे का शादी है और सबसे अच्छी बात ये है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन, उसको इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में बढ़ावा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है समाज के लिए, हम युवाओं के लिए और उन नेताओं के लिए भी जो सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन को बस फोटोबाजी तक समझ गए हैं, इसको अब जरूरत है अपने लाइफ में जोड़ने की, जिससे कि हमारे समाज में एक नया एक अच्छा संदेश जाएगा और इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक अनूठी पहल है। जब कोई भी सोसाइटी को आप मैसेज देते हैं तो वो तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक आम आदमी उसे नहीं अपना लेता है। और जो इन्होंने नवीन चंद श्रीवास्तव ने जो पहल की है इस तरह की कि शादी के कार्ड पर छपाया है, फिर पंडाल में भी ये मैसेज को देने की बात कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक आम आदमी का प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इसका निश्चय ही लोगों पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही।